आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा हो सकता है कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि इसमें से सीखना है और सीखकर दूसरों को सिखाना है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी आप अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। यहाँ पर मैं हाँ ये निकाल, ये आ गया था क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या लिखा है, द वेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जो रेक्टेंगल है उसकी जो विड्थ है मीन्स ब्रेथ है वो लेंथ से 2/3 है। इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर, यदि यहाँ पेरीमीटर गिवन है 180 मीटर है, तो फाइंड इट्स डिमेंशन। ठीक है, डिमेंशंस फाइंड करनी है और हमें इसमें क्या करना होगा, इसको फिगर बना के इसको बिल्कुल इजी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं इस तरीके से। मैं नाम ले लेता हूँ ABCD। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो हो गई विड्थ और ये हो गई लेंथ। ठीक है, हम इसको लेंथ को लेट कर लेते हैं पहले, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो विड्थ क्या होगी, जो लेंथ है ना, लेंथ तो है एक्स, इसकी क्या है 2/3 है, तो 2/3 मीन्स यहां पर आ गया 2x/3। ठीक है, ये आ गई इसकी विड्थ मीन्स ब्रेथ, पेरीमीटर, यहां पर पेरीमीटर भी गिवन है, वो भी हम लिख लेते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर है बच्चों 180 मीटर यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 L + B ये होता है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं, तो 2 L क्या है हमारी एक्स और बी क्या है 2x/3। ठीक है, ये पेरीमीटर होता है, बट गिवन पेरीमीटर क्या है 180, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वल रख देते हैं। अब इक्वल रखने के बाद हमारी ये बन गई इक्वेशन। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर या तो इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ये मानिए कि ये ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे पहले जो ये ब्रैकेट वाला नंबर लिखा है उसको हम यू का यू लिख लेते हैं और इस 2 को हम इधर ले आते हैं डिवाइड की फॉर्म में इस तरीके से। ठीक है, 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 0 की 0। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए एक्स के नीचे 1 ले लेते हैं डिनोमीटर की फॉर्म में, और 3 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 की टेबल लेंगे, 1 3 जा 3, तो 3 पे चलता 3 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस साथ ही 3 को 3 से करते 1 पे जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और यहाँ पर है 90। अब 3x + 2x हो गया, यहाँ पर बच्चों मैं दिखाता हूँ 5x। ठीक है, इक्वल यहाँ पर ही आ गया 90। अब देखिए यहाँ पर 5x के साथ ही 3 किस फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हम यहाँ पर खाली x लिखेंगे, बाकी नंबर को यू का लिखें और 5 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। अब 5 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जी हाँ 90 डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0, 40 होगा, 5 8 जा 40, इस तरीके से। तो एक्स इज इक्वल 18 3 जा, यहाँ पर 18 की टेबल 3 पे लेंगे तो आएगा 54। तो x क्या था बच्चों, यहाँ पर x था हमारा लेंथ थी। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। अब साथ ही विड्थ भी लिख लेते हैं, या इसकी जगह आप ब्रेथ भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि विड्थ और ब्रेथ का मीनिंग सेम होता है, तो विड्थ थी हमारी 2x/3, ठीक है, यही थी। तो 2/3 और इनटू यहाँ पर एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 54, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यहाँ पर 2 और 8 24 और 3 8 जा 24, तो 18 2 जा 36, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये मैं लिख लेता हूँ सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है, ये सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है हालांकि यहाँ पर। तो लेंथ तो आ गई हमारी 54 सेंटीमीटर और विड्थ आ गई हमारी 36 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।